हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पलट तेरा ध्यान किधर है। वैसे तो मेरा ट्रेलर रिव्यू करने का कोई इरादा था नहीं, लेकिन जब कुछ बातें खटकने लगी तो सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर लिया जाए। तो चलिए रिव्यू करते हैं एक आने वाली फिल्म राब्ता के ट्रेलर का। ओए रानी, इतने पास बता, कहीं प्यार ना हो जाए। और तू भी राजा, मुझे ऐसे मत दिख, मैं कोई खाने की चीज नहीं हूँ। तो फिर क्या है? इस फिल्म के लीड रोल में सुशांत सिंह राजपूत और कृति सेनन, और एक कैमियो रोल में है ये जनाब। तो इन जनाब को जिन्होंने पहचान लिया वेल एंड गुड, और जो नहीं पहचान पाए उन्हें मैं बता दूं कि ये है हरफन मौला एक्टर राजकुमार राव। तो चलिए आते हैं फिल्म के ट्रेलर पे, और ट्रेलर शुरू होता है बहुत ही रोमांटिक तरीके से। सॉरी, कुछ बहुत ही अच्छे और रोमांटिक सीन के साथ। इसे लॉन्ग ड्राइव्स नहीं, लॉन्ग वॉक्स चाहिए, और वो भी किसी ऐसे पागल के साथ जो उसको देखते देखते गिर जाए गड्ढे में। उत्तरी, इस सूरज बड़चाता की फिल्म में अनुराग कश्यप, लेकिन वो गाली भी रोमांटिक डायलॉग्स के फ्लो में बह गया, और 5 से 10 सेकंड के बाद ये याद भी नहीं रहा कि कोई गाली भी इस फिल्म में आई थी। हॉट कृति सेनन और कूल सुशांत सिंह राजपूत के कुछ किसिंग सीन्स। अबे चुम्मा चलती बहुत चुम्मा चाटी। हाँ, वही। लेकिन फिर मैं अचानक से रुका जब एजेंट विनोद का एक सॉन्ग बैकग्राउंड में बजने लग गया। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, क्यों है ये, कैसे है ये, तू बता। माता ठनका, मैंने सोचा कि 2012 का सॉन्ग 2017 की फिल्म में कैसे। जब चेक किया तो निकल के सामने आए प्रीतम पाजी, क्योंकि 2012 की फिल्म एजेंट विनोद में भी उन्हीं ने म्यूजिक दिया था और इस फिल्म में भी उन्हीं का म्यूजिक था। लेकिन जहां तक मुझे पता है कि सॉन्ग का ओनर प्रोड्यूसर होता है और दोनों फिल्म के प्रोड्यूसर्स अलग अलग हैं, तो फिर इस फिल्म में वो सॉन्ग कैसे कैसे कैसे। एनीवेज, ये अंदर की बात है, इसमें हम ज्यादा उंगली नहीं करेंगे। उसके बाद ट्रेलर में दिखा फ्रॉम द मेकर्स ऑफ कॉकटेल एंड लव आजकल, कनेक्शन फिर जुड़ता दिखाई दिया। इन सारी फिल्मों में प्रीतम ने अपने म्यूजिक का जादू बिखेरा है, कॉपी करके जादू बिखेरा है भाई। नॉट ऑलवेज। तो ट्रेलर के 1 मिनट 9 सेकंड तक ये रोमांस चलता रहा, अचानक से बैकग्राउंड में वॉइस आती है इरफान खान की। दिल को तसल्ली हुई कि शायद इस फिल्म में रोमांस के अलावा कुछ और भी है। अब ये भी कोई कहानी है, चलो कहानी बदलते हैं। 25 साल लग गए तुम्हें ढूंढने में, राजा बदलते हैं। मैंने तुम्हें अपने सपनों में देखा। लेकिन धीरे धीरे ये एहसास हुआ कि सिर्फ उनकी आवाज को यूज किया गया है फिल्म में, उन्हें नहीं। आई होप कि उनका छोटा सा भी रोल जरूर हो फिल्म में। तो जैसे ही उनकी आवाज ट्रेलर में सुनाई देती है, फिल्म पूरी तरह से बदल जाती है। फिल्म अचानक से दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से करण अर्जुन में तब्दील हो जाती है। एक दो सीन्स देखते ही ये ट्रेलर आपको साउथ फिल्म इंडस्ट्री में ले जाती है। एक बात मैं आपको बता दूं कि इस ट्रेलर के लिए ये मेरी अपनी सोच है, आप मुझसे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। काल भैरव, ओ भगवान है क्या? जैसे वो मुझे तलाशता है, जैसे वो मेरी फिक्र करता है, जैसे वो कहानियां बनाता है, कुछ कुछ होता है। जैसे ही उसके करीब जाने की कोशिश करता हूँ, लगता है किसी ने गर्दन उड़ा दी है। वो कौन है जो हमारे बीच में दीवार है? उसका उत्तर चाहिए घोड़ा। 25 साल लग गए तुम्हें ढूंढने में, राजा बदलते हैं। आई थिंक मैंने तुम्हें अपने सपनों में देखा। मैंने भी। रानी बदलते हैं। बस एक मुझसे ही तो प्यार कर सकती हो तुम। तो ये ट्रेलर मुझे काफी हद तक याद दिला रहा था 2009 की तेलुगु ब्लॉकबस्टर फिल्म मगधीरा की। हर सीन उस क्लासिक फिल्म की याद दिला रहा था, हालांकि सीन्स अच्छे लग रहे थे देखने में। मगाधीरा एक क्लासिकल फिल्म है और इस फिल्म के ढेरों फैंस हैं इंडिया में, तो हो सकता है कि मगाधीरा की एक कॉपी हो या फिर रीमेक हो, और ये भी हो सकता है कि ये एक बिल्कुल फ्रेश सब्जेक्ट हो और इसका इस फिल्म से कोई लेना देना ना हो। हालांकि आप जानते हैं कि ट्रेलर का मतलब होता है फिल्म के बेस्ट सीन्स को निकाल के आपके सामने परोसना, ताकि आप ललचाएं और पूरी फिल्म देखने के लिए जाएं। फिल्म का ट्रेलर देख के लग रहा है कि ये मगाधीरा की कॉपी है। जी हां, अभी कॉपी इसलिए कहूंगा कि अभी तक कोई रीमेक की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। दूसरी तरफ ये फिल्म मेकर्स की ट्रिक भी हो सकती है,
ताकि लोग मगाधीरा फिल्म समझ के इस फिल्म को देखने आए और पता चले कि स्टोरी बिल्कुल ही अलग है। फिल्म का ट्रेलर देख के ऐसा जरूर लगता है कि फिल्म भले ही कॉपीड ना हो लेकिन सीन्स काफी सिमिलर है मगाधीरा से। कृति सेनन वाले रोल के लिए प्रोड्यूसर्स की पहली चॉइस आलिया भट्ट थी लेकिन फाइनली कृति सेनन को साइन किया गया। तो वेट कीजिए फिल्म का जो कि रिलीज होगी 9 जून को और ये एक बहुत बड़ी बजट की फिल्म है। तो लेट्स सी कि ये फिल्म क्या रंग लाती है। एक था राजा एक थी रानी दोनों मर गए खत्म कहानी। That's all for today friends. Please like, comment, share and subscribe the channel if you like the video. Like me on Facebook. Links are in the description. Be safe. Have fun. मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए एक दो सीन्स देखते ही ये ट्रेलर आपको साउथ फिल्म इंडस्ट्री में ले जाती है। यहां मैं एक बात पर एक दो सीन्स देखते ही ये ट्रेलर आपको साउथ फिल्म इंडस्ट्री में ले जाती है एक